नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी राजनीति में जनता क्या सोचती है, समझती है, उसके जहन में क्या है, ये सियासत के लिए बड़ा मायने रखता है। ऐसे में सियासी दल विपक्षी के खिलाफ परसेप्शन बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया और फिर बयान पर आए जवाब पर अब सियासी पारा चढ़ा है। चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में समझिए। कांग्रेस के दो जासूस बोलूं, बुढ़ाऊं बोलूं, क्या बोलूं, घूम रहे हैं। 75-75 साल की उम्र है। वो जब चलते हैं, खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना, और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है। 26 मई को भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने अब चुनौती दी है। कहा, मेरे साथ चलकर दिखाएं विजयवर्गीय। जवाब में बेटे आकाश विजयवर्गीय का दावा कि कैलाश जी पूरी तरह स्वस्थ हैं, रेस होने पर जीतेंगे भी। हमारे कलाकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, चलिए हमारे साथ जरा पैदल करके चल के दिखा दें, तो पता पड़ जाएगा कौन जवान है कौन बूढ़ा है। कैलाश विजयवर्गीय जी तो नियमित व्यायाम करते ही हैं, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर रेस, मतलब दोनों के संबंध बड़े मित्रवत हैं, तो उन्होंने मजाक में कहा होगा, मगर अगर रेस होती भी है तो विजयवर्गीय जी जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को बूढ़ा बता दिया। बोले, कमलनाथ केवल यात्राएं निकालते हैं, शामिल नहीं होते। अच्छी बात है, निकालना चाहिए, पर अभी तक जितनी यात्राएं कमलनाथ जी ने निकाली हैं, एक भी में वो शामिल नहीं हुए, तो मुझे मालूम है वो इसमें भी शामिल नहीं होंगे। उम्र के कारण से ऐसी स्थिति है। अब एमपी में बूढ़े और जवान पर घमासान हो रहा। कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय और कमलनाथ को कई बार बूढ़ा बता चुके हैं, लेकिन मसला उम्र का नहीं, सियासत में एक्टिव रहने और जनता के बीच मौजूद रहने का है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बयानों से सियासत आगे बढ़ी। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बूढ़ा बता रहे हैं। इतना ही नहीं बता रहे, बल्कि उनकी चाल पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो बाइट भी आपने सुनी होगी, वर्जन सुना होगा। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि चाल देख लें, लेकिन सवाल यह कि क्या चाल को देखकर सियासत होगी? सवाल यह कि क्या जनता के मुद्दों से हटकर व्यक्ति के, नेता की व्यक्तिगत, उसकी सेहत पर कमेंट होगा? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सियासत में जरूर होनी चाहिए। क्या मसलों से भटक गए हैं नेता, या फिर भटकाए देते हैं आम जनता को नेता? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ बयान एक बार फिर याद दिला दें। दरअसल जब कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया, महासचिव हैं कांग्रेस, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, और इसके बाद अब इस पर लगातार रिएक्शन भी आए। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका, और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में। नमस्कार, बहुत स्वागत सर आपका। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आखिर क्या मुद्दों से भटक जाते हैं नेता, या फिर हम कहें कि भटका देते हैं नेता? नहीं, देखिए प्रशांत जी, मुद्दा अपनी जगह है जी, लेकिन ये भी जो कटाक्ष के तौर पर कह रहे हैं, तो एक मुद्दा तो क्रिएट करने की कोशिश होती है ना, कि आप उम्र देखिए, अनुभव देखिए, बहुत सारी चीजें राजनीति में काम करती हैं। जो बार यदि आप कह रहे हैं कि उम्र की बात करें, तो पहले भी कमलनाथ जी की उम्र पर सवाल हुए, दिग्विजय सिंह जी के हुए, और कांग्रेस में तो ये बात हमेशा उठती है कि 4-4.5 दशक से जो है, आप देखिए, एक 2-3 नेता ही मध्य प्रदेश की राजनीति चला रहे हैं, कोई पीढ़ी परिवर्तन उसमें नहीं हुआ कि जो नेतृत्व कर सके। तो एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए है ही ना, कि देखिए हमारे यहाँ पीढ़ी परिवर्तन होता है, हमारे नए नेता आते हैं, नेतृत्व बदलता है, लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं बनता बदलता। लेकिन जो आप राजनीति में हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा महत्व है, तो यदि आप अभी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज जब आप देखेंगे, तो लगेगा कि जो है उनको चुनाव की टेंशन ज़्यादा है बनस्पत कांग्रेस के जो नेताओं की, जितने इतनी ज़्यादा मीटिंगें हो रही हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे पर जो है को खिलाफ, हम देखते हैं ना सागर का मामला जिस तरह का, उसमें तनाव देखते हैं, तो चिंता की लकीरें भाजपा नेताओं के चेहरे पर ज़्यादा हैं, जबकि कांग्रेस जो है वो तो उसको इस हिसाब से अपना चुनाव की तैयारी कर रही है कि उसे जो भी होगा, यदि अब गेन कितना कर सकती है उसी पर उसका जोर है जी।
बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि भाई कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन नजर नहीं आता है, लंबे समय से कुछ चेहरे ही पार्टी को चला रहे हैं। मैं ये सवाल लेके जरूर जाऊंगा अब नडाल जी के पास, लेकिन उससे पहले पंकज जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, ये सब ठीक है भाई, हर पार्टी का अपना अंदाज है पार्टी को संचालित करने का, संगठन को चलाने का, लेकिन किसी नेता की व्यक्तिगत सेहत पर क्या टिप्पणी ठीक है क्या? इसमें कोई संदेह है कि दिग्विजय सिंह जी 75 स्पर्श कर रहे हैं, कमलनाथ जी 76 साल के हो रहे हैं, कोई संदेह है क्या सर? वो आयु छुपा सकते हैं क्या सर? और उसमें क्या बुरी बात है सर जी, दिग्विजय सिंह यदि 75 साल के 76 साल के हैं और यदि उनको कहा जाए कि आप 75 साल के, आप मिस्टर 75 मिस्टर 76 गलत है सर क्या? तो ये इस पे किसने उनके स्वास्थ्य पर कटाक्ष किया सर? आयु है। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, और वो उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कैलाश जी ने क्या कहा, कैलाश जी ने क्या कहा वो भी आपकी स्क्रीन में, तो जैसा आकाश जी हमारे जो विधायक, उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत संबंध है, उन्होंने उस विषय में कहा। तो कमलनाथ जी की फिटनेस जी, आपने वो वर्जन सुना कि चाल देख लीजिए दिग्विजय जी की, कमलनाथ जी की। मैं सर आ रहा हूं उसी बात का, प्रशांत जी मैंने सुना सर वर्जन, वो उस कार्य समिति की बैठक का था अंश में जो आप बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना आग्रह कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अप्रैल 2018 से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो भी कुछ कार्यक्रम किए, कभी कमलनाथ जी आपको सड़क पर देखे सर कोई मूवमेंट में, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, यदि चलना है तो थोड़ा चले, फोटो की काम करें, गाड़ी बैठ गए हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से। तो सर कमलनाथ जी की फिटनेस क्या है क्या नहीं, कांग्रेस का विषय है, निश्चित तौर पर उनका विषय है, लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की तरफ से आप अपने आप को मोर्चे पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, यदि भी आपके बाकी नेता विरोध कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय प्रभारी विरोध करते हैं, नेता प्रतिपक्ष विरोध करते हैं, अरुण यादव अजय सिंह जी इवन दिग्विजय सिंह जी सब विरोध करते हैं, तो इसमें क्या संदेह सर कि आप 76 साल की आयु, तो इसमें अपमान क्या हो गया सर? हम बहुत आदर करते हैं सर दोनों का, सीनियर नेता है दिग्विजय सिंह जी, और जैसा दिनेश जी ने कहा कि यही नेता है सर, 1980 से कमलनाथ जी है सर, 2023 आ गया, न जाने कितने लोग आए राजनीति में, कितने चले गए, पर कमलनाथ जी हैं, डटे हुए हैं किसी से, और फसल लूट रहे हैं अरुण यादव जी के शब्दों में। दिग्विजय सिंह जी आप देख लीजिए 1971 से जो उन्होंने अपनी वो राघवन नगर पालिका से इनिंग शुरू करी, तो वही बराबर बैटिंग कर रहे हैं, दूसरे को मौका ही नहीं मिल रहा है, दूसरे को देने की तैयारी है, तो जयवर्धन को उन्होंने पैड पहना रखे हैं राजनीतिक पैड के, आओ तुम्हारे लिए तैयारी है, लक्ष्मण सिंह जी को किनारे कर दिया। तो सर ये स्पष्ट है कि 1975 1976 इनके दम पर कांग्रेस पार्टी जो है मैदान में, और कोई आपको नेता दिखता है कांग्रेस का सर? बाकी सब खींचतानी कर रहे हैं, आधे इधर आधे उधर, आधे दिग्विजय सिंह जी के साथ आधे कमलनाथ जी के साथ, तो ये वृद्ध है सर। और कमलनाथ जी के स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन सर वो उनके व्यक्तिगत विषय हैं, तो उस पर हम भी नहीं जाना चाहते सर, पर सबको सब पता है सर, लेकिन यहाँ उनका उल्लेख करना उचित नहीं, सर शालीनता है हमारी डिबेट की, हम उनका आदर करते हैं, पर जो आयु संबंधी उनको समस्या है वो है सबको पता है, दिनेश जी को भी पता है, सबको पता है कमलनाथ जी की स्वास्थ्य संबंधी क्या है, दिग्विजय सिंह जी की का स्तर उनसे बेहतर है स्वास्थ्य का, सबको पता है, वो जितना दिग्विजय सिंह जी चल लेते हैं कमल, हम तो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी कैलाश विजयवर्गीय जी का बोले वो कमलनाथ जी को चला के बता दें सर, अगर कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के साथ 2-5 किलोमीटर भी चल रहे सर, तो पूछता हूँ सर, ये वास्तविकता है सर कि आयु हो गई दोनों की, बाकी अपना काम करते रहे सर, शुभकामनाएं, दीर्घायु शतायु हो सर। ठीक है, मृणाल जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। मृणाल जी, एक सवाल दिनेश जी ने भी उठाया कि भाई हम दशकों से देख रहे हैं भाई दो ही तीन नेता ही भाई पूरी कांग्रेस चला रहे हैं, पीढ़ी परिवर्तन राजनीति में कांग्रेस में दिखता ही नहीं है, फिर सवाल तो उठेंगे। वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने नई पीढ़ी को सशक्त करने के लिए और नया नेतृत्व देने के लिए जितना काम किया है उतना तो मध्य प्रदेश में खास तौर पे पूरे देश में कहीं दिखता नहीं है। पीढ़ी परिवर्तन का और नेतृत्व को ताकत देने का, सेकंड लाइन तैयार करने का अर्थ ये नहीं होता कि सीधे नेतृत्व किसी नौजवान के हाथ में आ जाए। कमलनाथ जी ने जब छोटी सी सरकार चलाई अपनी एक सवा साल की, तो कितना क्रांतिकारी काम था कि मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट थी वो पूरे देश में सबसे युवा कैबिनेट थी। अब जिसका नेतृत्व कमलनाथ जी खुद लगभग 75-74 के अभी आसपास हैं, लेकिन जब उनका उम्रदराज व्यक्ति जिस मंत्रिमंडल का अनुभवी व्यक्ति नेतृत्व करता हो उसके बाद भी पूरे देश में कैबिनेट की औसत आयु पूरे देश में सबसे कम, इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि कांग्रेस ने पीढ़ी परिवर्तन का काम किया है, नौजवानों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। दूसरी बात, कोई राज्य मंत्री नहीं बनाया,
कोई संसदीय सचिव नहीं बनाए, सारे नौजवानों को कैबिनेट मंत्री बनाया, है कोई ऐसा दूसरा उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में? इसका मतलब पीढ़ी परिवर्तन के लिए और नए नेतृत्व को सशक्त करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो किसी ने नहीं किया। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी 72 साल की आयु है, मैं कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, यह भी कामना करता हूं कि हमेशा बहुत स्वस्थ रहें। हमने कभी उनकी उम्र पे सवाल नहीं उठाया। अब देखिए, उम्र का असर कभी कभी हो जाता है, जिसके चलते वो कह देते हैं कि बादलों में राडार से विमान पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन हमने फिर भी कभी उनकी उम्र पर आपत्ति नहीं की। कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश में सरकार चलाई वो सबसे बेहतर और कुशल प्रबंधन वाली सरकार थी, ऐसा भी कोई दूसरा उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलता। जिस वित्तीय परिस्थिति में उन्होंने सारे वादे पूरे किए, जो राहत जनता को दी, मध्य प्रदेश को विकास की गति पे जो सरपट दौड़ाया, वो सब उनके अनुभव का कमाल था। और मुझे लगता है कि उम्र को लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो अशोभनीय टिप्पणी की है वो नहीं की जानी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने तो साफ चुनौती दी है कि आइए मेरे साथ पैदल चल के दौड़ लगा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि किस में ज्यादा दमखम है। जी ठीक ठीक बात है दिनेश जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो मृणाल जी कह रहे हैं कि भाई एक ठीक है, जरूरी नहीं कि नेतृत्व दे दिया जाए, बल्कि एक पूरी नई कैबिनेट, युवा कैबिनेट दी थी कमलनाथ जी ने। दूसरा एक उससे भी समझे कि क्या केवल फिजिकली एक्टिव होना ही उतना ही जरूरी है सेहत में, सेहत के लिहाज से? अर्जुन सिंह आखिरी दौर में जब एचआरडी मिनिस्टर थे व्हील चेयर पर चलते थे, इतना बड़ा मंत्रालय संभाल रहे थे। कांग्रेस में एक और मिनिस्टर थे जो पैरालिसिस या फिर हम कहें कि हैंडीकैप थे, लेकिन लगातार बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले। नहीं देखिए, कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि आदमी हॉस्पिटल में रहा तो तब भी कैबिनेट मिनिस्टर था, वो मानवीय पहलू है, उसको आप उस तरह से मत देखिए। लेकिन जब हम नेतृत्व की बात करता हूँ तो मृणाल जी उसको चाहे तो फिर कहीं भी उसको सर्च कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी जब पीसीसी के अध्यक्ष बने थे पहली बार तो उनकी क्या उम्र थी, और जब वो मुख्यमंत्री बने तब क्या उम्र थी उनकी? आप दोनों को देखेंगे ना 1993 में, जब उनकी उम्र आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक वो परफेक्ट टाइम था जब उनको एक लीडरशिप मिली और उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये नहीं होता। आप देखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो, ये भारतीय जनता पार्टी में भी तो यही बात चल रही है ना कि यदि 18-20 साल एक ही आदमी एक पद पर रहेगा तो जो दूसरे लोग राजनीति में आए हैं वो भी तो उस चीज़ की इच्छा पालते हैं ना कि उन्हें भी तो चाहिए कि साहब उनको भी मौका मिले। ये तो जो भी राजनीति में आया उसकी महत्वाकांक्षा, वो भले ही बयान कुछ भी दे, लेकिन हकीकत यही है कि वो नेतृत्व करना चाहता है और आया इसी मंशा से। इसलिए जो समय होता है, यदि सही समय पर सही चीज मिल जाती है तो लोगों का उत्साह बना रहता है। तो ये जो देख रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी में ये समस्या है कि जब, जैसे अब राजस्थान का ही घटनाक्रम आप देख रहे हैं, यदि वहाँ कोई सचिन पायलट छोड़ते हैं तो इसको किसको दोष देंगे आप? आप यही देंगे ना कि आप लीडरशिप चेंज नहीं करना चाहते। जो मध्य प्रदेश में वही स्थिति राजस्थान में, लेकिन आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपने एक लीडरशिप चेंज की थी तो वहाँ आपको फर्क दिखा। तो ये लोगों को भी लगता है कि जो वोटर है आपका उसको भी लगता है कि उत्साहजनक जो है एक नेतृत्व हो, क्योंकि नया वोटर हर बार आता है, हर चुनाव में आता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी क्या बीजेपी में क्या उम्र दराज नेता नहीं है क्या, या फिर जो बयान दे रहे हैं क्या वो 18 साल के हैं क्या? फिर मतलब ऐसे सीधे सवाल उठा देना। जी प्रशांत जी, मेरा हमारे मित्र ने बात करी पीढ़ी परिवर्तन की। जी सर, वो पीढ़ी परिवर्तन एक राजनेता के पुत्र के लिए सीढ़ी था सर। उनको अपने पुत्र को मिस्टर 75 को, दिग्विजय सिंह जी को अपने पुत्र को कैबिनेट में शामिल कराना था, तो इसलिए लक्ष्मण सिंह जी की बलि दी गई और कम आयु के चलते फिर बाकी लोगों को अकोमोडेट और एडजस्ट करना पड़ा। और उनके नेता कौन थे? चलो चलो मिस्टर 76 कमलनाथ जी जो उनके नेता थे। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि पीढ़ी परिवर्तन किया पर सीढ़ी नीचे से खिसका दी गई, तो आज वो लोग कहाँ है सर? आप देखिए कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के अलावा कोई मोर्चे पर दिखता है आपको सर, जिसको लोग लीडर मानते हो? कांग्रेस के दो ही खेमे, एक दिग्विजय खेमा है, कमलनाथ का खेमा, दोनों खेमे के लोग हैं। दूसरा सबसे बड़ा सर विषय यह है कि कमलनाथ जी का गुड गवर्नेंस, तुगलक रोड हवाला कांड सर, जिस समय छापे पड़े मुख्यमंत्री कार्यालय नजदीकों से करोड़ रुपए बर्बाद हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, और वो कमलनाथ जी जिन्होंने पूरे कार्यकाल में एक उनका पेटेंट डायलॉग था, मामा खजाना खाली कर गया, मामा खजाना खाली कर गया, मैं क्या करूं मामा खजाना खाली, कुछ नहीं पूरा किया सर। क्या किया सर? पेट्रोल डीजल पर रेट कम करने थे, नहीं किए। पंकज जी टोक रहा हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा।
पीढ़ी और सीढ़ी का जिक्र आप कर रहे थे, क्या बीजेपी में बीजेपी नेताओं के वरिष्ठ नेताओं के बच्चों को एडजस्ट नहीं किया जाता? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कांग्रेस पार्टी के मालिक फिरोज भाई, पहले नेहरू जी, इंदिरा जी थे, फिर राजीव जी आया, फिर फिरोज जी का पूरा परिवार मालिक हो गया, इंदिरा जी के बाद से फिरोज भाई की परिवार की पार्टी हो गई, वैसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है सर। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, कल कौन होगा नहीं पता। आज मध्य प्रदेश में अध्यक्ष है, दो चार साल बाद कौन अध्यक्ष होगा नहीं पता। कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी संगठन मौका दे सकता है, समयकाल परिस्थिति के आधार पर। पट्टा नहीं लिखा सर फिरोज गांधी के परिवार जैसा, ये दिखावा है सर। और हम परिवारवाद की राजनीति के खुलकर विरोध करते हैं सर। ये जो पार्टी बनी ना, माँ भाई, माँ बेटे, भाई की बहन की पार्टी, चाचा भतीजा पार्टी, ताऊ ताई पार्टी, भैया दादा पार्टी, सारी पार्टी देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रशांत जी एक ऐसी पार्टी है जो आपने कहा ना नेता पुत्रों को सर राजनीतिक आकांक्षा और अभिलाषा रखने का अधिकार है। और यदि वो जन लोकप्रियता आप अर्जित करेंगे भाजपा के उन मानदंडों को, वो कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं सर, सारे नेता ऊपर से नहीं आ जाते सर। जैसे राहुल गांधी जी 2004 में कांग्रेस में अवतरित हो गए, सीधे महासचिव बना दिए गए, लोकसभा का टिकट मिल गया, क्या उपलब्धि थी उसके पहले राहुल गांधी जी की? क्या कहीं ब्लॉक में काम किया था, किसी वार्ड में काम किया था, किसी पद पर थे क्या? नहीं थे। पर फिरोज भाई के परिवार के थे, राजीव जी के पुत्र थे, तो उनको मालिक स्वीकार कर लिया कांग्रेस के लोगों ने। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लंबे समय तक, सोनिया गांधी जी का कांग्रेस में उसके पहले क्या कंट्रीब्यूशन सर? राजीव जी के निधन के बाद उनको कांग्रेस के लोगों ने अपना मालिक मान लिया। आप लोग प्रियंका जी को मानने को तैयार हैं, रॉबर्ट वाड्रा को मान लें, प्रियंका जी के बच्चों मान लें, हमको आपत्ति नहीं सर। लेकिन ये पीढ़ी परिवर्तन नहीं करते सर, ये पीढ़ी को ऊपर करके सीढ़ी नीचे खींचते, पीढ़ी परिवर्तन नीचे गिरा धराशायी हो जाता है। वहां चलता है परिवारवाद, जमकर परिवारवाद, फिरोज भाई का परिवारवाद, दैट्स इट जी। मृणाल जी, सारी बातें आपने सुनी, दोहराना नहीं चाहूंगा, बल्कि इस पर जवाब चाहूंगा कि भाई सीढ़ियां नेता पुत्रों को ऊपर बढ़ाने के लिए, पीढ़ी बदलाव नहीं था वो? मैं तो पूछ लेता हूं मेरे साथी से, पंकज जी से जी, कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बता दिया पिता पुत्र की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या है? ये दादी और पोते की पार्टी नहीं है क्या? दादी और पोती की पार्टी नहीं है क्या? क्या कंट्रीब्यूशन था वसुंधरा जी का कि उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया? क्या कंट्रीब्यूशन था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, कांग्रेस से गए चूंकि वो राजमाता जी के पोते थे इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केंद्र में केंद्रीय मंत्री बना दिया? उस आदमी की बलि दी जा रही है माननीय सिंधिया जी के सामने, जिसने लोकसभा के चुनाव में माननीय सिंधिया जी को हराया था। उन केपी यादव साहब को भूल गए लेकिन सिंधिया जी को गले लगा लिया। अंतर यह है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस मतदाताओं से झूठ नहीं बोलती, वो ये बात स्वीकार करती है कि हमने परिवार के उन लोगों को जो कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं उनको बार बार मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी करती वही है लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है। दूसरी, जहां तक आयु की बात है, मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ जी की मुख्यमंत्री के तौर पर आयु केवल 1.25 साल है, जबकि शिवराज सिंह जी की आयु देखिए 18 साल के आसपास है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ जी की आयु कर भी केवल 6 साल की है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ ले तो केंद्र में जरूर वो लंबे समय तक सक्रिय रहे, लेकिन शिवराज सिंह जी की आयु 25 से 30 साल की है। भारतीय जनता पार्टी में तो कब्जा जमा हुआ है, जिन लोगों ने 25 साल पहले 30 साल पहले राजनीति की थी वो किसी और के लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कमलनाथ जी को तो आए हुए अभी ज्यादा समय हुआ क्या, और इस बार का उनका मुख्यमंत्री जब अगली का सरकार में बनेंगे तो नई कैबिनेट देखिएगा, उस कैबिनेट में नए नए युवा चेहरे भी देखिएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी की मलकियत सबसे अधिक समय तक संभाली श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, उन्होंने अवसर दिया किसी को सर? सोनिया गांधी जी ने। कमलनाथ जी पूरी कांग्रेस पर कब्जा करके बैठे हैं सर, मैं नहीं कहता सर, अरुण यादव जी कहते हैं, जो खुलेआम कहते हैं कि मेरी फसल लूट ली, जीतू पटवारी जी को उपेक्षित महसूस करते हैं, बाकी सब सामने, नेता प्रतिपक्ष जी की स्थिति देख लीजिए कि उनके अविश्वास में कमलनाथ जी सम्मिलित होते, बतौर विधायक सम्मिलित नहीं उस कार्यक्रम में क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का है। तो जिस प्रकार का आधिपत्य और पट्टा और पट्टा दोनों सर संस्कृति कांग्रेस के फिरोज भाई नहीं, की नहीं, कांग्रेस ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये नरोत्तम मिश्रा जी कुर्ता खींच रहे हैं मंच पे बैठे हुए, कमलनाथ जी का सब नाराज होकर जा रहे हैं, कमलनाथ जी छोड़ने को तैयार नहीं, सिंधिया जी इंतजार में है कि किसी तरह से धक्का मारे, गोविंद सिंह जी विरोध कर रहे हैं, उनका नेता प्रतिपक्ष के रूप में विरोध हो रहा है, जयप्रकाश अग्रवाल जी विरोध कर रहे हैं, पवन खेड़ा जी विरोध कर रहे हैं, अरुण यादव विरोध कर रहे हैं, अजय सिंह विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं चेहरा मैं ही हूं,
कोई आपको मोहरा मानने को तैयार नहीं सर, आप चेहरा बनने को तैयार हो। तो सर ये पट्टावाद और पट्टावाद ये कांग्रेस के फिरोज भाई की कांग्रेस के परिवारवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं राष्ट्रवाद को प्रमुखता देती है सर। राष्ट्र पहले, इनके लिए परिवार प्रथम सर, नेशन फर्स्ट, इधर फैमिली फर्स्ट, ये बेसिक डिफरेंस है सर जी। इस पर रोशनी जरूर डालें दिनेश जी, जो बातें पंकज जी भी उठा रहे हैं, हालांकि जवाब मृणाल जी ने जरूर दिया कि ठीक बात है, कई ऐसे जो बड़े नेता हैं वो दरकिनार हैं, चाहे अरुण यादव का भी नाम लिया, जय सिंह का भी नाम लिया, हालांकि वो भी नेता पुत्र तो वो भी हैं। नहीं देखिए प्रशांत जी, कोई भी किसी भी चीज में जब आप कोई भी राजनीतिक दल फैसला लेता है तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कोई एक विधानसभा का चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं होता कि आप केवल इस आधार पर कर दें कि ये जो है इस जो युवा है या इस जो है या उसका कोई कास्ट इक्वेशन है, एक कहीं ना कहीं एक वॉइस तो होना चाहिए ना। यदि आप देखिए जब कमलनाथ जी आए थे मध्य प्रदेश में 2018 में जो, तो उस वक्त उनकी क्या वॉइस थी? वॉइस तो आप पूरा कैंपेन आप भाजपा का देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ था वो जो है उस कैंपेन ने। यदि भाजपा शायद वो कैंपेन नहीं लाती तो हो सकता है कि तब भी स्थिति ठीक होती, वो कमलनाथ के खिलाफ कैंपेन होता तो हो सकता है भाजपा की सरकार बन जाती। लेकिन चूंकि एक पॉपुलर फेस कमल उनका था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो लोगों को लगा कि ये देखिए किस पर अटैक हो रहा है। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है एक सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आज यदि आप दिग्विजय सिंह जी देखिए, उनकी कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता है तभी तो वो जा रहे हैं, कमलनाथ जी तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी को शायद नाम भी नहीं मालूम होंगे पूरे कार्यकर्ताओं के, उनको तो शायद जिला अध्यक्ष भी ठीक से याद नहीं होंगे कि किसको बनाया, कौन पुराना है कौन नया है, भूतपूर्व विधायकों से भी उनका बहुत सारा संपर्क नहीं है। तो जब पार्टी ये देखती है कि आप कितना मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप कितने सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराते हैं, जब विपक्ष में होती है पार्टी तो उसको कई दूसरे एंगल पर भी सोचना पड़ता है, जब सत्ता पक्ष में होती है तो बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो सभी की सबको खुश करने के लिहाज से लिए जाते हैं। ठीक बात है मृणाल जी, इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। एक तो कि ठीक है वो 2018 का मसला, ठीक है सिंधिया जी नहीं है लेकिन वो फेस जरूर थे 2018 में। कई नेता हैं जो अभी भी दरकिनार हैं, बड़े नेता युवा नेता हैं जिन्हें आप युवा भी कहते हैं लेकिन भाई तवज्जो नहीं है पार्टी में। पूरी तवज्जो है और कांग्रेस पार्टी में इस बार जो काम का बंटवारा है उसके उलट भारतीय जनता पार्टी तीन धड़ों में बटी हुई है, एक शिवराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा। कांग्रेस पार्टी में हमने व्यवस्थित तरीके से काम बांटा है, कमलनाथ जी के पास हर क्षेत्र के हर कार्यकर्ताओं की व्यवस्थित सूचनाएं हैं। दिग्विजय सिंह जी निर्लिप्त होके, उनको पता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनना, उनको कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनना, निर्लिप्त होके कांग्रेस की सेवा करने के लिए वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। अरुण यादव जी और बाकी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस के सारे नेता अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पे कुर्ता खींचने में लगे हुए हैं। चले एक 10 सेकंड का रिएक्शन पंकज जी जल्दी सर। तीन भाजपा है बीजेपी में जी सर, दिग्विजय सिंह की पूर्णता संलिप्त है सर, वो सुपर सीएम और सुपर पीसीसी चीफ के तौर पर काम करता है, संलिप्त है सर, जवाब दीजिएगा, संलिप्त है, पूर्णता संलिप्त है और उनकी संलिप्तता सर इसी प्रकार से सर, वो शेडो और सुपर सीएम के तौर पर काम करते हैं, सुपर पीसीसी चीफ के तौर पर काम करते हैं। ठीक है चले, जरूर देखना होगा कि भाई और क्या मसले, स्वाभाविक है कि जो बयानबाजी हुई है और ऐसी बयानबाजी अब आने वाले वक्त में और बढ़ेगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। आज के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, डिबेट में इतना ही।